Hey everyone, good afternoon, welcome back to our new vlog. तो आज हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट, जो कि कांगड़ा जिले में है. और अगर आप धर्मशाला या कांगड़ा घूमने आए हैं तो यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि ये किला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. और अगर साथ में नदी, पेड़, पहाड़ मिल जाए तो क्या ही बात है, ये रास्ते की सुंदरता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं. तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हमने अंदर जाने के लिए टिकट्स भी ले ली हैं और 25 रुपीज पर पर्सन की टिकट मिली. आप सामने ये जो बड़ा सा गेट देख रहे हैं उसे बोलते हैं रणजीत सिंह द्वार, और वहीं से मेन किले की एंट्री होती है. ये किला हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला माना जाता है. आइए जानते हैं कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में. ऐसा माना जाता है कांगड़ा किले का निर्माण कटोच वंश के राजपूतों ने करवाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य का माना. प्राचीन त्रिगत साम्राज्य का उल्लेख महाभारत पुराणों में किया गया है. इस किले की लंबी ऊंची दीवारों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे इस किले में बहुत से राज छुपे हुए हैं, जो कि आपको उस काल का अनुभव कराएंगे जब इस किले का निर्माण हुआ था, जब यहाँ पे कटोच वंश के राजपूत राज करते थे.
इस किले की ऊंची दीवार को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि इस किले पे अटैक करना कितना मुश्किल था। और ये है दर्शनी दरवाजा, जिसकी एक साइड यमुना जी की मूर्ति है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा जी की मूर्ति है। ये है किले के अंदर का व्यू, जहां पर एक पुराना पीपल का पेड़ भी है। इस किले में पुराना मंदिर भी है, जिसका निर्माण किले के निर्माण के साथ ही कराया गया था, और उस मंदिर को श्री आदिनाथ जैन मंदिर और अंबिका देवी मंदिर कहा जाता है। कांगड़ा किले का निर्माण लगभग 3500 साल पहले राजा सुशर्मा चंद्र ने करवाया था। ये किला दो नदियों के संगम पर बना है, जिसे हम मांझी और बाढ़ गंगा के नाम से जानते हैं।
ये रहा आज का हमारा व्लॉग, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।